गरियाबंद के दीवानपुरा में प्रदेश में अपनी तरह का पहला मामला सामने आया, जिसमें एक से ज्यादा पत्नियां होने के चलते राशन कार्ड नवीनीकरण करवाने में दिक्कतें आ रही हैं। मामले में खाद्य विभाग के अधिकारी भी असमंजस में हैं। बताया जाता है कि ऑनलाइन सिस्टम में दूसरी पत्नी का नाम दर्ज करने के लिए कोई प्रावधान नहीं। यहाँ की मालती और हिरंद्री सौतन हैं और 15 साल से साथ रह रही हैं। दोनों का एक ही मैनुअल राशन कार्ड भी बना हुआ है। अब राशन कार्ड नवीनीकरण प्रक्रिया में पति पत्नी का नाम दर्ज करने के लिए तो कॉलम है, लेकिन दूसरी पत्नी के लिए नहीं है, इसलिए दोनों का राशन कार्ड भी नहीं बन पा रहा है। आवेदन मिलने के 3 महीने बाद भी अधिकारी उनका राशन कार्ड जारी नहीं कर पाए हैं। हालांकि अब अधिकारियों ने दूसरी पत्नी का नाम रिश्ते में अन्य के कॉलम में डालकर राशन कार्ड बनाने का रास्ता निकाल लिया है। अब सवाल ये उठता है कि राशन कार्ड के लिए इन दोनों सौतनों में से कोई एक पत्नी का दर्जा छोड़कर अन्य में शामिल होने के लिए कौन तैयार होगी? तो फिर जो नया नवीनीकरण जो हुआ राशन कार्ड का, उसमें सौतन का ये नहीं कॉलम नहीं है, उसमें लिखा गया था सौतन है ना, तो उस कालम को सरकार को जोड़ना चाहिए, स्वतंत्र का कालम देना चाहिए उसी में। अगर किसी परिवार में मान लो दो बीवी हैं, तो उनको जो भी मतलब एक तो जो बड़ी बीवी रहेगी उम्र में वरिष्ठ रहेगी, उसको राशन कार्ड का मुख्य बनाए जाने का प्रावधान है, और अन्य सदस्य के रूप में उनको जोड़ने का प्रावधान है राशन कार्ड में।